ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को टोलबाजी, तुष्टिकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है, ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है, आपकी नजर में अपना भतीजा है। कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। हमारे साथ एक एमपी, 9 MLA, एक एक्स मिनिस्टर, एक MOS, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, CPM सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। आज भाई सिबोल शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। इस संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।